हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं एक्सपर्ट प्रोफेसर गिरीश कुमार। गिरीश कुमार जी, आपका स्वागत है टीवी 9 में। गिरीश कुमार जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आखिर इस खतरे से बचा कैसे जाए? सी, इस खतरे से बचने का एक ही उपाय है, दैट वी शुड अडॉप्ट स्ट्रिक्ट रेडिएशन नॉर्म। इनफैक्ट इंडिया हैज अडॉप्टेड वर्स रेडिएशन नॉर्म इन द होल वर्ल्ड। वी हैव अडॉप्टेड ICNIRP गाइडलाइन for GSM 1800, it comes out to be 9.2 watt per meter square, जबकि दूसरे countries ने, for example, Russia ने उसको 0.02 watt per meter square adopt किया है। So what we have adopted is 460 times more than that। तो अभी जो interministerial group की जो meeting आई है report, उन्होंने पहला तो एक अच्छा step तो propose किया है कि we should do 1/10 of that। But according to me, it is a half-hearted approach. We should immediately adopt 0.1 watt per meter square with the provision that within 1 to 2 years... Professor Grishy, यहाँ पर आपसे जानना ये चाहते हैं कि ये अक्सर कहा जाता है कि काफी ज्यादा टॉवर्स लगे हुए हैं मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने के लिए, अगर टॉवर्स ज्यादा न लगाए जाएं तो फिर नेटवर्क की समस्या से कैसे निजात मिलेगी? In fact, actually में जो सोल्यूशन है वो ज्यादा टावर होने चाहिए, बट हर टावर से बहुत कम पावर ट्रांसमिट होनी चाहिए, दैट इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। इनफैक्ट जो मोबाइल ऑपरेटर्स है वो बार बार यही तो चाहते हैं कि वो रेडिएशन नॉर्म्स ज्यादा लूज हो, तो उससे क्या होता है कि दे कैन पंप आउट लॉट ऑफ पावर। आपको लगता है इस पर ट्राई को भी एक निगाह बनानी चाहिए? ट्राई अक्सर मोबाइल के दामों पर तो रोक लगाती ही है, उस पर नियंत्रण रखती है, लेकिन फिर मोबाइल टावर्स पर ट्राई ध्यान क्यों नहीं देती? इनफैक्ट मैं TEC के भी लोगों से मिला था, TRAI के भी लोगों से मिला हूँ, DOT को भी मिला है। मैंने DOT के यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी दिया था और रिपोर्ट भी सबमिट की है। इनफैक्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट दे हैव अडॉप्टेड इन दिस रिवाइज प्रपोजल, दैट्स हाउ इट हैज कम। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो इंटर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट है उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है, उन लोगों ने, दैट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द सेल टावर एज वेल एज सेल फोन, और उसमें उन्होंने बायो इनिशिएटिव रिपोर्ट के बारे में भी लिखा है जिसमें क्लियरली लिखा है कि सीवियर कंसर्न होते हैं 1000 माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर के ऊपर, विच इज 0.001। सो इट डजंट मेक एनी सेंस। एडल्ट्स का पेनिट्रेशन जो है वो 25% है, 10 ईयर चाइल्ड का पेनिट्रेशन 50% है, और 5 ईयर के बच्चे का पेनिट्रेशन 75% है। सो दैट इज टू मच रेडिएशन पेनिट्रेशन। इनफैक्ट KEM हॉस्पिटल में काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं जहां पे बच्चों को एक साइड में हियरिंग लॉस हो रहा है और ट्यूमर भी हो रहा है। ट्रांसमिट लेस पावर, उसका मतलब क्या है कि उसकी रेंज कम होगी। पावर एम्पलीफायर जो लगाते हैं ये लोग 20 वॉट का एम्पलीफायर, उसकी कॉस्ट होगी 20,000 रुपए, जबकि एक सेल टावर अगर एडिशनल लगाना पड़ेगा उसकी कॉस्ट 10 लाख भी हो सकती है। तो इट्स सिंपली कॉस्ट की प्रॉब्लम। बच्चों को जितना हो सके आप मोबाइल फोन से दूर रखें जब तक कि वो मैच्योर ना हो जाएं। हमारे साथ हैं एक्सपर्ट प्रोफेसर गिरीश कुमार। गिरीश जी, आप ये बताएं अब कि आखिर इसका सबसे ज्यादा असर क्या सिर्फ बच्चों पर ही होता है या फिर बूढ़ों पर भी होता है? इसका असर तो सबके ऊपर ही होता है, क्योंकि माइक्रोवेव जो रेडिएशन निकल के आ रहा है सेल फोन से, सो दैट इज गोइंग टू, सपोज ये सेल फोन है, हम लोग अपने कान के पास में रखते हैं, तो सबसे पहले कान हीट होगा, उसके बाद में स्किन ड्राई होगी, उसके बाद में आईज विल गेट ड्राइड अप, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स कुकिंग द ब्रेन। सो इट रिजल्ट्स इनटू लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। आईज ड्राई होंगी तो फोकस की प्रॉब्लम होती है, फोकस की प्रॉब्लम होगी तो ग्लासेस ज्यादा लगेंगे, एंड व्हेन इट इज कुकिंग द ब्रेन देन व्हाट इट लीड्स टू स्लीप डिसऑर्डर, देन मेमोरी लॉस, लैक ऑफ कंसेंट्रेशन, इरिटेशन, एंड अल्टीमेटली टू ब्रेन ट्यूमर। इनफैक्ट इंटरफोन की स्टडी भी आई है, इंटरफोन की स्टडी में खाली कंक्लूजन पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा है नो कोरिलेशन, बट अगर आप उसके अंदर पढ़ते हैं उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है हाफ आवर यूज पर डे इन अबाउट 8 to 10 years ब्रेन कैंसर इंक्रीजेस 200% to 400%। और उनका जो दूसरा भी है उसमें उन्होंने लिखा है एवरेज यूजर, इवन फॉर एवरेज यूजर दे हैव मेंशन इंक्रीज इन द केसेस 29%, बट वेरी स्ट्रेंज थिंग इज दे हैव टेकन एवरेज यूजर एज ए पर्सन हु यूजेस मोबाइल फोन फॉर 2 hours per month, दैट रियली कम्स टू 4 minutes per day।
सो इन इंडिया में तो एवरेज यूजर इज 15 मिनट्स पर डे एंड देयर आर लाख्स ऑफ पीपल हु यूज मोर देन 1 आवर पर डे. प्रोफेसर गिरीश, यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि अक्सर ये भी सुना है कि अगर आप मोबाइल को अपनी जेब में रखें, यानी कि यहाँ पर दिल के नजदीक रखें या फिर आप अपने ट्राउजर्स में रखें, तो क्या जहां भी हम रखते हैं उस शरीर के हिस्से पर भी इसका फर्क पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज क्या होता है अगर आप मोबाइल फोन नहीं भी यूज करें तो इट सेंड्स 1 पल्स टू द बेस स्टेशन एवरी मिनट. सपोज यू आर कैरिंग द फोन फॉर 6 आवर्स इन योर पॉकेट, so 6 into 60, 360 pulses are being sent and one pulse could be of 1 watt to 2 watt. So even if I take 1 watt, 180 watt of microwave power is being transmitted towards your body, which could be your heart, which could be your hand, which could be the pant pocket. So you have to decide which part of the body you don't like. जी प्रोफेसर, ये भी बताएं कि आखिर फिर किया क्या जाए, जो बातें आपने बताई हैं, जो स्टडी आपने बताई, तो ऐसे में क्या आने वाले समय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल लगभग बंद कर देंगे लोग? नहीं सी, देखो कोई भी टेक्नोलॉजी को प्यार से, धीरे से, अच्छी तरह से समझ के अडॉप्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन का इन्वेंशन ही हुआ था इमरजेंसी यूज के लिए. इंडिया में हम लोगों ने उसको एक नॉर्मल तरह से यूज किया है, तो इसका जो सोल्यूशन ये है, आप जितनी कम से कम बात करें उतना अच्छा है. आप चाहे तो जो लैंडलाइन यूज कीजिए, या आप वायर्ड भी यूज कर सकते हैं, या ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें एक कंडीशन है, यू मस्ट कीप द मोबाइल फोन एटलीस्ट 1 फुट अवे फ्रॉम योर बॉडी.